घोषणा का स्वागत है, अभिनंदन है। कितना तैयार रहेगी समाजवादी पार्टी उपचुनाव को लेकर? पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता पूरी तरह से उम्मीद में बैठा हुआ है कि कब हमें मौका मिले बटन दबाने का और हम समाजवादी पार्टी को साइकिल पे बटन दबाकर इतने वोटों से जिता दें कि एक नया कीर्तिमान, जिस तरह से जनपद अयोध्या की सीट फैजाबाद 54 लोकसभा की लोकसभा सीट थी जीता करके देवतुल्य मतदाताओं ने पूरे देश और दुनिया में इतिहास बनाया और चर्चा का विषय बनाया, और उसी तरह यहाँ के देवतुल्य मतदाता और सभी समाज के सभी वर्ग के लोग पूरी तैयारी में हैं कि कब हमें मौका मिले हम भी उसी तरह से इतिहास बनाएं जिस तरह से अजीत प्रसाद के पिताजी अवधेश प्रसाद को जीता कर एक इतिहास बना है, उसी तरह से अजीत प्रसाद को जीता कर एक इतिहास पूरे प्रदेश और देश में बनाने के लिए देवतुल्य मतदाता और सभी सम्मानित बुजुर्ग माताएं, बहनें, बेटियां और समाज का हर वर्ग तैयार बैठा है। हम उस घोषणा का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बधाई देता हूँ। पाव जी, बहराइच हिंसा में मारे गए युवक के परिवार से आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं मिलने के लिए। देखिए, जो बहराइच की घटना है बहुत ही दर्दनाक, हृदय विदारक, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही, पुलिस की लापरवाही से ये घटना हुई है। अगर पुलिस सचेत होती, सतर्क रहती तो ये घटना न घटती। अब मुख्यमंत्री जी मिलने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी मुख्यमंत्री होता उसको तो मिलने पड़ता, लेकिन यही इंतजाम पहले कर लिए होते तो आज ये दर्दनाक घटना न घटती। लगातार हिंसा अभी कल पूरा दिन में रहा है। हिंसा तो हिंसा अच्छी बात नहीं है, ये सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और इस घटना के लिए सरकार दोषी है और लॉ एंड ऑर्डर पर कोई नियंत्रण नहीं है और इनका इकबाल खत्म है और इकबाल से सरकार चलती है। योगी बाबा का पुलिस के लोगों पर भी कोई इकबाल नहीं रह गया है, अन्यथा ये घटना न होती। और ऐसी स्थिति में मैं विनम्रतापूर्वक सभी से प्रार्थना करता हूँ कि शांति व्यवस्था कायम करने में, आपातदारी कायम करने में पूरी तरह से अपना सहयोग दें और जिससे आपस में मेल मिलाप हो सके, आगे कोई घटना न हो सके और कोई दुश्मनी न बन सके और शांति रहे, इसके लिए सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ।